आ गया आपके पास एक बार और आपको टोपी पहनाने, लेकिन ये टोपी आपको ठगेगी नहीं बल्कि आपको ठंड से बचाएगी। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि बिनी कैप के ऊपर वीडियो बनाई जाए, और बहुत सारी वीडियो है भी नहीं एक्चुअली। इस वीडियो में मैं आपको बेहतर ब्रांड्स तो दिखाऊंगा, लेकिन एकदम बेहतर वाली सजेशन दूंगा जिससे आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपको सही चीज मिलेगी। चलते हैं। पहला जो बिनी कैप है वो आता है एकदम मस्त वाले ब्रांड से, सुपर ट्राई का आपको टैग मिल जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी गई है 1799। यस, एक टोपी 1799 रुपए की, मेड इन चाइना, जो की थू वाली बात है। बिनी के अगर कलर की बात करें तो पूरी मरून कलर की बिनी है, और इसमें भी ना आपको थोड़े से ब्लैक और थोड़े से मरून कलर के थ्रेड से वर्क मिलेगा। एग्जैक्टली आप बीरोल के थ्रू समझ जाओगे। अंदर में ना व्हाइट टैग का पूरा पुस्तक बना दिया गया, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे हैं। वैसे अगर बेनी के वूल की क्वालिटी की बात करें ना, ऑब्वियसली देखो सुपर ड्राई है तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम फील होगा। बड़ी अच्छी बड़ी थिक बुनाई है, डबल लेयरिंग वाली है, तो ये भी सारी चीजें ना देखनी होती है। देखो एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, दो लेयर के थ्रू ये बेनी कैप बना है। ऊपर में आपको कोई भी ऐसा झरना जैसा कुछ नहीं मिलता, बड़ा ही स्टाइलिश कैप है। लेकिन चूंकि सुपर ड्राई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। इस कैप को आप टू वे में पहन सकते हो। पहला वे ये है कि आप पूरा इसे एकदम डायरेक्टली ऐसे पहन लो, जिसके थ्रू आप अपने कान को अच्छे से प्रॉपर ढक सकते हो, और इसके फ्रंट में आपको सुपर ड्राई की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि सेम कलर से की गई है। खास बात क्या है कि आप इसे एज अ फोल्ड करके भी पहन सकते हो, जिससे आपकी ब्रांडिंग ये वाली छुप जाएगी। लेकिन इस चीज का ध्यान दिया है सुपर ड्राई ने, तो आपको मोड़ने के बाद भी ना अंदर की तरफ एक और ब्रांडिंग मिलती है, तो ये बड़ी एक्स्ट्रा चीज लगी। पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अच्छे से फिट होता है, और पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। ओवरऑल अगर बात करें ना, तो अगर आपको थोड़ा सा प्राइस खर्च करना है या आपको ब्रांडेड कुछ पहनना है, आप इसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एकदम बजट पॉकेट फ्रेंडली बेहतरीन चीज चाहिए, पूरी वीडियो उसके लिए देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट ब्रांड आ गया हमारे पास में। इस ब्रांड की जो खास बात क्या है ना, ये ब्रांड यूएस में या फॉरेन कंट्रीज में ना बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम हाइकिंग, ट्रैकिंग और ये सारी चीजों की बात करें, विंटर वेयर, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है क्लोथिंग के मामले में। ब्रांड का नाम है कोलंबिया। प्राइसिंग यहाँ पर अगेन लिखी हुई है 1699, थोड़ा सा महंगा हो जाता है। कलर की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ नॉक्टर्नल, लेकिन काइंड ऑफ ब्लू है, समझ लो। बेनी के ऊपर ना आपको ऐसे करके बहुत खूबसूरत से टेक्सचर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो ये बेनी ना छूने में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जब आप छूओगे ना तो एक्चुअली आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस फील होगा। यहाँ पे अगर अंदर देखोगे ना तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, और ये ड्यूअल लेयरिंग से नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे खींच के देखूं, यहाँ से आर पार हवा जैसे जाती हुई दिख रही है। अलग क्या है, तो अगर इसके अंदर के तरफ यहाँ पर कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पर एक सॉफ्ट मटेरियल पूरा राउंड करके लगाया गया है, ताकि जब आप इसे पहनो तो आपके फोरहेड में या आपके ईयर्स में आपको कंफर्टेबल फील हो। और एक्चुअली ये बहुत ज्यादा स्मूथ एंड कंफर्टेबल है। हालांकि जब हमने इसे पहना बहुत ज्यादा स्टाइलिश एक तो लग रहा था, फिटिंग बहुत ज्यादा तगड़ी आ रही थी। यहाँ पर भी देखो सीन वही है, अगर आपको कुछ प्रीमियम पहनना है, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छा पहनना है, अच्छे ब्रांड का पहनना है, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। नेक्स्ट हमारे ब्रांड का नाम है पूमा। देखो हम धीरे धीरे ना बजट को नीचे करते जा रहे हैं, और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई पूमा के साथ में। पूमा का टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पे लिखी गई है 799 कम है, लेकिन फिर भी जो चीज मुझे मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक ना शॉर्ट बेनी कैप है। बेनी कैप के भी ना अलग अलग साइजेस होते हैं, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट है, आपका आधा कान जैसा ढकता है। इसमें स्टाइल के तरफ ना ये थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड है। ब्लैक कलर का पूरा कैप है, ये भी ड्यूअल लेयरिंग से बना हुआ है, क्वालिटी अच्छी है, फूल है, लेकिन बड़ी ना घनी बिनाई की गई है इसमें। दूर से आपको देखने में ये ब्लैक जैसा लगेगा, लेकिन एकदम क्लोजली देखोगे ना तो ये डार्क ग्रीन कलर का इसमें वूल यूज किया गया है। साथ ही फ्रंट में ऑब्वियसली आपको पूमा की बड़ी सी ब्रांडिंग मिल जाएगी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट गाइस, जब मैंने इसे पहना ना, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, ना अपने सर पे, अपने टकले पे, ना ही पहनने के बाद वैसा खूबसूरत लुक आ रहा था। हालांकि टकले पे भी वैरी कर सकता है कि किसका टकला कितना सुंदर है। ओवरऑल अगर बात करें ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर पूमा ही का कुछ चाहिए तो ले लो, वैसे इससे बेहतर चीज है हम आगे देखने वाले, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा ब्रांड है वो है DNMX, अजियो के तरफ से आया है, और बड़ी गजब की ये चीज है वो मैं आपको बताता हूँ क्या। पहले प्राइसिंग बहुत अच्छी, 399 लिखा हुआ, लेकिन आपको उसे भी कम पे करना पड़ेगा। डोंट वरी, एक अच्छा बजट वाला चीज है। अगर बेनी कैप की बात करें ना, तो इसमें आपको एकदम चौड़ा फोल्ड मिलता है, और ये फोल्ड ना हल्की सी सिलाई से टिका हुआ है, तो अगर आपको ये शॉर्ट लगता है, बाद में आप इसे खोल के पूरा ऐसे बड़ा एक बेनी कैप बना सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी ब्रांडिंग कुछ नहीं मिलती। साइड में छोटा सा DNMX का पैच मिल जाएगा, DNMX का आपको टैग मिल जाएगा। अच्छी चीज मुझे क्या लगी ना, देखो मॉल से ना निकाल के सीधा भेज देते हैं। अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि ये देखने से ना एकदम भारी जैसा लगता है, ऐसा लगता ना पहनेंगे तो थोड़ा कान में ऐसे दबेगा, लेकिन जब हमने इसे पहना, इतना ज्यादा सॉफ्ट इसका वूल है ना, एकदम बड़े लिक्विड टाइप का ना ऐसा बॉडी में
फैल जाता है, बड़ा ही अनकंफर्टेबल जैसा लगता है, सही बता रहा हूँ। वो ज्यादा ही ढील है, एकदम स्लाइम की तरह ना सर में बैठता है। मस्त कहूं या नहीं कहूं ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सॉफ्ट बहुत है। तो अगर आपको ना आपके सर में ज्यादा प्रेशर लेना या ऐसा भारी भरकम जैसा आपको प्रॉब्लम फील होता है इससे पहले जब भी आपने स्पिनिंग कैप पहना है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। इस पूरे हॉल का ये सबसे मुलायम सबसे सॉफ्ट वाला स्पिनिंग कैप है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में। देखो इस वीडियो की जब हम प्लान कर रहे थे ना, तो हमने अच्छे अच्छे ब्रांड को इसलिए मंगाए ना ताकि हमें उनसे उम्मीद थी कि वो कुछ खतरनाक ही करके देंगे या कुछ ऐसा फील करवाएंगे जो कि लगे कि हाँ भाई पैसा दिया तो होगा, लेकिन वैसा इसमें हुआ नहीं। हम एक्चुअली जो सबसे बजट वाला प्रोडक्ट था ना, जिसकी ना कोई अच्छी ब्रांडिंग है ना कुछ है, ये प्रोडक्ट एकदम दिल खुश कर दिया, इतनी अच्छी क्वालिटी का है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस को मिस कर रहे हो, हमारे साथ मस्ती करना छोड़ दे रहे हो, मेक श्योर कि जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम डेली बहुत सारा फन बहुत सारा मजा करते हैं। ऑलराइट, सो ब्रांड का नाम है गजराज, नॉट द बेस्ट नेम टू चूज, यहाँ पर कोई भी प्राइसिंग नहीं मिलती, हालांकि ये मेड इन इंडिया है, बहुत अच्छी बात है। 100% फाइन वूल यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा मेटेलिक ग्रे या ब्लू टाइप का इसका कलर है, बड़ी सुंदर जिगजैग टाइप की ऐसे मैट कैसे बना होता है उस टाइप के ना इसकी बिनाई की हुई है, बी रोल के थ्रू देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ऑलरेडी आपको ये फोल्डेड भी मिलता है, अगर आप चाहो तो इसे खोल सकते हो, लंबा बना सकते हो, अच्छे से पूरा ढक वक सकते हो, लेकिन ऑलरेडी इसकी लेंथ इतनी अच्छी है ना कि आपका कान वान पूरा ढक जाएगा, लेकिन अगर आपका टकला आइंस्टाइन जितना बड़ा है तो वो फिर अलग बात है। अलग चीज क्या लगी कि इस बेनी कैप के अंदर आपको पूरा तगड़ा सा फर मिलता है, जैसे हुडीज में मिलता है और स्वेटशर्ट्स में मिलता है, और सच में ये फर भी ना इरिटेट नहीं कर रहा था। जब मैंने इसे पहना ट्राई किया, बड़ा ही कंफर्टेबल था, एंड सीधी वर्ड में कहूं वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस्ड बेनी कैप है इस पूरे हॉल का। अगर आपको ब्रांडिंग की कोई चिंता नहीं, अगर आपको सही चीज चाहिए सही प्राइस में चाहिए, ऐसे को ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते हो, काम निकालना चाहते हो अपना, तो आप डेफिनेटली इस कैप के लिए जा सकते हो, हाईली हाईली रिकमेंडेड है। अगर ये हॉल वीडियो अच्छी लगी है, हम आपके सारे विशेष को पूरे कर रहे हैं, तो मेरी एक विश पूरी कर दीजिए, जाके हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम में इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बूम।